बताए थे, उन्होंने अपनी जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है और लक्ष्य मामूली 20 से 125 रुपए तक ही काटे हैं। जबकि अगर आप इंफोसिस को देखें तो आज सुबह भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, 9 में से 6 ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य भी सिग्निफिकेंट काटे हैं, 150 से 520 रुपए तक काटे हैं। और ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस तो इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि किस तरह से TCS वर्सेज इंफोसिस में इंफोसिस इस बारी इस तिमाही में गिरावट का जो कैंडिडेट है वो क्लियर कट सामने निकल कर आया है। तो खराब तो दोनों ही थे, कौन ज्यादा खराब है ये आपके लिए क्लियर है। Correct. और क्लियरली ज्यादा खराब अगर आप कर रहे हैं तो उस कंपैरिजन में तो इंफोसिस इस बार काफी आगे, मुकाबले ही नहीं हुआ, बिना मुकाबले है ना, बिना वॉक ओवर। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो पहली बार हमने TCS वर्सेस इंफोसिस में बुल वर्सेस बेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्लियर कट विनर TCS बहुत आगे निकलता हुआ रेस में, अगर है तो रेस तो तब है जब दूसरा भी दौड़े। TCS तो इंफोसिस तो बोले मैं तो खेलूंगा ही नहीं मैं नहीं खेलता, जाओ तुम ऐसे करोगे तो वैसे ही हो गया इसका। आइए बढ़ते आगे, सेठी साहब से की जाए मुलाकात, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, जरा अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन और टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, 17,700 के आपको दर्शन करवाने हैं। आपके आते ही देखिए बाहर आती हुई दिख रही, 17,700 पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है, 59,900 पर सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिख रहा है, 42,250 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूती के साथ दौड़ लगाता हुआ। अब बताइए सर आपका इरादा क्या है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल अनिल जी, देखिए निफ्टी में एक स्मार्ट रिकवरी, सुबह जो भारी गिरावट थी वहां से एक अच्छी रिकवरी देखी जा रही है और एक मच नीडेड जो करेक्शन था बाजार में जो होना था, मतलब 9 दिन की कंटिन्यूअस अनअबेटेड तेजी के बाद ये जो एक करेक्शन मच नीडेड था वो आज हुआ है। तो मुझे लगता है अब ये बाजार में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और आज अनिल जी 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स देने वाला हूँ और 1 F&O का भी स्टॉक देना अनिल जी। ओहो क्या बात है, सेठी साहब फुल फॉर्म में, शुरुआत कीजिए सर जल्दी जल्दी, मतलब सॉरी आराम से आराम से, नो डाउट आपके बाद मेरी स्ट्रेटेजी भी आएगी, फिर भी आराम से समझ तो गए होंगे अनिल जी। अब मैं समझ गया, जब आप जल्दी जल्दी बोलते हैं मतलब आपके बस रुकते ही मुझे शुरू होना है। हाँ बस 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 मैं रुक गया, आप शुरू हो जाओ अनिल जी। जो पहला कैश का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है PCBL फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जो अभी 118-19 के लेवल पे ट्रेड करता है, पहले शॉर्ट टर्म टारगेट 130 का, स्टॉप लॉस 112 रुपए का। एक RP संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक बनाने वाली कंपनी है, 33 से ज्यादा देशों में प्रेजेंट है। और आज ये स्टॉक न्यूज में भी है बिकॉज इनका एक तमिलनाडु में नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हुआ है, उसके बाद जो इनकी कैपेसिटी है वो बढ़ के 7.53 लाख टन हो जाएगी। बाकी कार्बन ब्लैक की जबरदस्त डिमांड देखी जा रही है रबर सेगमेंट से, और इन्होंने एक स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का भी इनका एक पोर्टफोलियो है जहाँ पे ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया, और वो जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का वो नॉन रबर एप्लीकेशन में काम आता है, जैसे पेंट्स है, फाइबर है, प्लास्टिक्स है। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जितने कार्बन वाली जो कंपनियां हैं, जैसे HEG है, ग्रेफाइट है, गोवा कार्बन है, सब में एक धुआंधार तेजी हुई है। थोड़े दिन पहले मुझे याद आता है HEG ग्रेफाइट में जिस दिन तेजी थी आपने भी इसका जिक्र किया था। तो स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, करीबन 4.5% की डिविडेंड यील्ड है, 5 रुपए का लास्ट ईयर डिविडेंड दिया, मतलब 10 का डिविडेंड दिया, फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:1 में, तो 5 रुपए हो गया प्रति शेयर का भी, तो 4.5% की डिविडेंड यील्ड है। बाकी अच्छे रिटर्न रेशियोज है, FIIs DIIs भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है एक परफेक्ट लेवल है यहाँ पे खरीदारी करने का, और इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट 130 के, स्टॉप लॉस रखते हैं 112 रुपए का। तो यह है आपके लिए PCBL, यहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब स्टॉक नंबर 2। दूसरा स्टॉक एक ऑटो कंपोनेंट या ऑटो सेक्टर की कंपनी है, स्टॉक का नाम है सुप्रोस।